अभी नोचि कम ऑन बेबी कम ऑन अभी बस चली गई बाद में अकेला सिंगल बोल दूंगा amazing exotic wow लो भाई बोल दी इंग्लिश 200 ग्राम जलेबी भैया का पीनट बर्थडे खरीद ले उस पैसे में इतना पैसा था हद करते हैं ओके भैया राधे राधे इधर से आना यार उधर से कहाँ जा रहे हो शॉर्टकट अपना हो यार और नहीं तो क्या गाइस रेडी फॉर काले हनुमान जी दोस्त का होटल था फ्री में पीनट्स बटर मार के आ गया मैं गाइस ड्यूटी से भी जस्ट आया हूँ मैं मम्मी हेयर बैंड कहाँ है हेयर बैंड भाई मेरे को मिल नहीं रहा हेयर बैंड नहीं लग रहा मैनू पंजाबी बोल दी मिल गया टाटा बाय बाय यार क्या हद करते हो इधर आ जाओ यहाँ पे आ दो गाइस ऑल सेट फॉर जिम गोइंग टू जिम और भाई मैंने मेरी एक वीडियो में एक चीज़ चेक करी है मतलब अभी जो तुम एक सेकंड रुको भाई हाँ अब मैं क्या अच्छी तरह शांतिपूर्वक बैठ जाऊँ फिर बात करता हूँ हाँ भाई अभी मैंने एक वीडियो मेरी चीज़ चेक करी जब मैं मेरा जो पुराना व्लॉग है वो एडिट कर रहा था तब मेरे को लगा तो भाई मेरी वॉइस है ना वो व्लॉग में ढंग से आ नहीं रही हल्की सी गूंज रही बहुत माइनर सी गूंज रही है वो अभी तक वो हेले की व्लॉग अपलोड नहीं हुआ शाम को 8 बजे के आसपास मैं उस व्लॉग को अपलोड करूँगा तब भाई तुम लोग वो व्लॉग देखना और मेरे को कमेंट करके बताना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही हूँ कि तुम लोगों को आवाज़ में थोड़ा सा ग्लिच लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक माइक ले लूँ पे वायरलेस वाला माइक जिससे कि आवाज़ थोड़ी सही आ सके मैं ये सोच रहा हूँ मैं वो कमेंट करके बताना मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही अगर सही आ रही है तो मैं क्यों ही लूँ और अगर नहीं आ रही तो फिर भाई मैं लूँगा उससे पहले मैं एक मिडिल क्लास वाली एक चीज़ करूँगा पहले मैं जो इसका स्पीकर और जो वो है ना म्यूज़िक का जो साउंड वो सब कुछ सही करवाऊँगा अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर मैं माइक ले लूँगा अगर तुम लोग बोलोगे ओ ये क्या बात है भाई साहब मैं बॉटल भूल गया था आ रहे हो क्या आप हाय हेलो बोल दो फिर क्या बात है भाई मैं आज भी बॉटल भूल जाता वर्कआउट करते वक्त गर्म पानी पीता हूँ इस वजह से तो मम्मी को ध्यान था जल्दी जल्दी में रह जाता यार एनीवेज गाइस चलते हैं जिम और आज है मेरा बाइसेप और ट्राइसेप मतलब पूरा आर्म्स का वर्कआउट है फोर आर्म्स भी है और हल्के फुल्का कार्डियो वगैरह और एब्स वगैरह ठीक है तो होप सो क्रॉस फिंगर करी हुई है कि जिम में भीड़ ना आए तो मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ नया ट्राइपॉड जो पीछे कुट 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 कर रहा है उसमें वीडियो बनाएंगे पुराना ट्राइपॉड में अच्छी वीडियो आ नहीं रही थी मेरे को लगा मेरे को थोड़ा हाइट वाला ट्राइपॉड चाहिए और इस वाले की हाइट काफ़ी सही है 7-8 फीट के आसपास तक की है तो अच्छी वीडियो बनेगी डायरेक्टली सी यू इन द जिम टाटा भाई जिम पहुंच गया और जिम का माहौल भाई संट एक नंबर जिम का माहौल है कोई नहीं है जिम में मतलब 2-3 लड़के हैं बस बाकी 1-2 ट्रेनर्स और कोई नहीं है वीकेंड का कभी कभी फ़ायदा मिलता है कभी कभी नुकसान भी होता है कभी नुकसान ही होता है कि कुछ लोग क्या दिन में आ जाते हैं शाम को पार्टी वगैरह करने जाते हैं इसलिए और आज तो भाई कोई नहीं आया वर्कआउट करने का जो दी बेस्ट जो मैं अंदर से चाहता हूँ ना कि होना चाहिए वो आज है तो वैसे वर्कआउट करने में मज़ा आएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी शानदार वाली सब कर दूंगा मेरे को होने दो एक बार सेट बना के मैं इसमें एडिट कर लूंगा बना नहीं यार बना देखो
गाइज ऑल सेट एंड रेडी फॉर काले हनुमान जी। काले हनुमान जी जा रहा हूँ अभी बैक टू द बेसिक। अपने बालों को मैंने पीछे कर लिया भाई, क्योंकि आगे बार बार आते रहते तो मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। नहीं मैं काले हनुमान जा रहा हूँ तो गेट बंद कर ले। तू किससे बात कर रही है? बाबू हमारे तो घर पे भाई ये सिस्टम चलता है। बाबू हेलो, ये रहा भाई। इस ये अभी 2 साल का भी नहीं हुआ और इससे ऐसी बात होती है जैसे तो भाई पता नहीं मतलब क्या ही चल रहा है। बाबू ने बाबू क्या कर रहा है, बाबू तू क्या है, बाबू क्यों, मतलब A to Z मतलब पता नहीं। ये देखो ये क्या है, ये भी 2 साल का है और इससे बातें चल रही है। हाँ क्या है भाई, नमस्ते करे भाई। अब कर दिया सैल्यूट कर। ये भाई नमस्ते कर दिया बालक ने। हाय हाय क्या बात है, कितना प्यार नमस्ते किया बंदे ने भाई। ये इसको बोलते संस्कार, ये होता है संस्कार। क्या बात है, ये खौफ है भाई, ये खौफ है, मामा का खौफ है। 4 बार नमस्ते कर रहा है भाई, ये तो चीज है। और हमको थप्पड़ दिखाता है। तुम तो बेलखड़ो क्यों। चल अब चल काम कर, पकड़ इसको। हाँ चल ठीक है, मौसी से बात कर लिया बेटा। भाई देख मेरा, ओए तू पहले गेट बंद कर। मेरा खौफ मेरे भतीजे में, हाँ मेरा खौफ मेरे भतीजे में और मेरा खौफ मेरे भांजियों में। यही तो जी जिंदगी में और चाहिए क्या भाई, खत्म। खौफ रखो खौफ। मम्मी की तबीयत खराब हो रही है इसलिए मम्मी सो रही है, देखो यहाँ पे। ठीक है मम्मी, मैं काले हनुमान जी के जा रहा हूँ, गेट बंद कर लेना, मतलब मैं बाहर से लगा रहा हूँ, बाद में आप कर लेना ना। और भाई आज एक सेकंड, और भाई आज काले हनुमान जी जाने के लिए जो अपना पार्टनर है वो होने वाला है मेरा एक फ्रेंड, जिससे कि मेरे को मिले हुए बहुत 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 ज़्यादा टाइम हो गया। तो आज मैं उनसे मिलूँगा, लगभग एक महीना हो गया। मैं उनसे मिला था न्यू ईयर के दिन में, जब उन्हीं के वहीं पे मैंने क्लब में पार्टी करी थी तब, और उस टाइम देखो क्लब का माहौल था तो वो इतना मेरे से मिल नहीं पाए। आज हम साथ में काले हनुमान जी के जा रहे हैं। आज उन्होंने बोला लोकेश जी आज प्लीज़ आ जाओ, पक्का कैसे भी करके आ जाओ आप। मैं कहा चलो भाई अपन आते हैं। टू माई फ्रेंड्स होटल, और भाई अपने राव साहब का ऐसा काम है कि अपन डायरेक्ट किचन में आते हैं, अपन आजू बाजू नहीं जाते, डायरेक्ट किचन वाली बात करते हैं। और भाई क्या चलते रहे, आप नए साहब हो ना यहाँ पे, कितना पुराना हो आप, मेरे को जानते हो आप, इतना पुराना जानते हो मेरे को। ठीक है भाई, सब लोगों को अपना चैनल बताया है यहाँ पे, आधे ज्यादा सब्सक्राइबर यहीं के ही हैं। क्या हुआ, बुला नहीं रहा क्या हुआ भाई। टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कार गाइस, ऑर्डर लेते हैं भैया। नर्वस कर दिया ये। अच्छा प्यार बस नर्वस कर देंगे हम तो, ऑर्डर नहीं लेने देंगे आपको, खत्म। ये होते हैं ये भाई, ये मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमाओ। मेरा क्या है, मैं तो आ जाऊंगा मुंह उठा के, फ्री में सब्जी लेके चल जाऊंगा। हाय हेलो मनीष भैया, हाउ आर यू। फाइन एक्स पार्षद साहब, मैंने मेरी बात है, वीडियो बंद कर, फिर मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, वीडियो बंद कर पहले। मैं तो ब्लॉगर हूँ ना, मैं तो यूट्यूबर हूँ मेरे भाई, तो बंद तो कर यार। हेलो धर्मेश जी, हेलो तो अभी मेरे साथ ही चल रहे। बंद करना पड़ेगा कैमरा। बैक टू गाइस, पीनट बटर खरीद लिया उस पैसे में, इतना पैसा था, हद करते हैं। ओके भैया राधे राधे क्या बात है। चलो ठीक है भाई, मिलता हूँ कल। ओके टाटा। चलो भाई चलो, इधर से आना यार, उधर से कहाँ जा रहे हो, शॉर्टकट अपना हो यार, और नहीं तो क्या। गाइज रेडी फॉर काले हनुमान जी, दोस्त का होटल था, फ्री में पीनट्स बटर मार के आ गया मैं। मैं जब भी आऊँगा मैं ऐसे ही लेके जाता हूँ कुछ ना कुछ, मैं क्या और बुलाऊँ मेरे को, मैं ऐसे ही खर्चा करवाऊँगा। क्यों धर्मेश जी, क्या बढ़िया बात सुनी, क्या लगी बढ़िया यार, तगड़ा इग्नोर कर रहे हो। फ्री में पीनट मसाला ले लिया दोस्त की होटल, ये वाली बात सुनी थी ना मैंने यार, बात सुनी थी। तो पैसा का क्या है यार, किया सेल्टोस मेंटेन कर रहा हूं मैं धर्मेश जी, आप तो जानते हो देखो मेरी औकात। किया सेल्टोस, किया सोनेट भी ले सकता हूं, इंडिगो भी ले सकता हूं, इतना ही पैसा है भाई, फिर जमीन जायदाद इतने में बिक जाएगी मेरी, रो दो के इतनी है मेरे पास में। एनीवेज गाइस जो भी था सब फन के लिए था, एक मिनट स्टॉप गाइस, बिकॉज़ ओहो भाई दूध और जलेबी, धर्मेश जी दूध और जलेबी भाई कॉम्बिनेशन बैठ गया। काले हनुमान जी के जा रहे थे मंदिर, जाते जाते भाई बीच में आ गया दूध और जलेबी। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव मिल्क एंड जलेबी, टोकन लेना पड़ेगा अंदर से,
यहाँ से कि कहाँ से? यहाँ से ही ना, ठीक है थैंक यू। लो भैया, ओ भाई साहब 200 ग्राम जलेबी भैया। मैं तो सही बोलता हूँ भैया, अभी हम लोगों ने दूध जलेबी खाई, इतनी जलेबी बच गई। धर्मेश जी बोले 200 ग्राम ले लो कि जी मैं खा लूंगा। मैं सोचा भाई बंदा रोजीना खाता होगा, ले लेते, मेरे को पता है 200 ग्राम भाई बहुत ज़्यादा आती निकाली जाएगी। बोलता है लोकेश ज़्यादा हुई यार। मैं कहा ठीक है भाई, गरीबों को देंगे ये वाली। आगे वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बस स्टैंड आता है वहीं पर बैठे रहते हैं, उन्हीं को दे देंगे, वही खा लेंगे बेचारे। होशियार दिख गई, क्या हो गया, भीड़ लग रही है, पुलिस खड़ी है यहाँ पर, तो कहाँ पर है। तो भाई साहब कुछ ना कुछ हो गया, कांड हो गया भाई, कांड हो गया, सिस्टम हो गया भाई, भीड़ और लग गई यार। आगे देखो ट्रैफिक और लग गई, और वहाँ पर उस कोने में पुलिस खड़ी है कारेंस के आगे, मतलब इस टम्पू के आगे। तुमको पता नहीं बत्ती दिख रही है, नहीं दिख रही। गाइस दर्शन हो गए, और भाई आज हमारा मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिकॉज ऑफ 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन भाई जब मैं आ रहा था आते आते मैं पीनट्स खाना भूल गया, देखो तो भाई पहले खाऊंगा पीनट्स, क्योंकि अब फ्री के पीनट्स है भाई, भाइयों का प्यार है ये, फ्री का भाइयों का प्यार है, भाइयों का प्यार तो खाना बनता है भाई। तो भाई पहले मैं खाऊंगा पीनट्स, बिकॉज पीनट्स तो मेरे फेवरेट है यहाँ के। और कुछ मत समझ लेना, मैं अकेले पीनट्स ही खा रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी आगरा गया तो ताजमहल विजिट करके आऊँगा। भाई साहब भाई कितना अच्छा लग रहा है यार, सनरूफ से लेंगे इसको, नया सनरूफ क्या ले, एक ही बात पड़ेगी भाई। यहाँ से देखो सामने हमारी विधानसभा, और ऑन ओकेशन ऑफ 26th of January रिपब्लिक डे, और हाँ भाई रिपब्लिक डे है हमारे यहाँ पे तो मेन भाई, कितनी शानदार लग रही है भाई। ये हमारा SMS स्टेडियम है, ये वाला ये इसकी मेन एंट्री है SMS स्टेडियम की, देख लो है ना। और ये हमारा विधानसभा, और ये वो है ना वो है इलेक्ट्रिसिटी विभाग, ये वाला तो पेंशन हाँ। वाला है शायद है ना, और ये वाला क्या है, ये विद्युत भवन है, हाँ बिजली वाला ही है। और ये हमारी विधानसभा बहुत बड़ी, और विधानसभा के जस्ट यहाँ पे लालकोटी, यहाँ पे धर्मेश जी का कैफे। स्टूडियो कितनी शानदार लग रही है भाई, एक नंबर, लोग बावड़े हो रहे, पागल हो रहे, वीडियो बना रहे भाई, पैसा ही पैसा भाई साहब। वाओ अमेजिंग एक्सोटिक वाओ, लो भाई बोल दी इंग्लिश, देखो कितनी शानदार। हाँ तो भाई आ गया घर पे, और जो मेरी दिन की प्रोटीन की मील है वो मैंने ले ली, ऑफिस की वजह से इतना ले नहीं पाता, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता मील वगैरह का, लेकिन अब मैं धीरे धीरे क्या टाइम टू टाइम अपनी मील्स वगैरह कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। व्लॉग को मैं यही पेंड करता हूँ। इफ लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, लाइक कर दो, ठोक के लाइक कर दो। और भाई मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो भी जाके मेरे को फॉलो करो फटाफट। टिल देन टाटा बाय बाय, जय श्री राम एंड सी यू टुमारो, टाटा।